इस समूची दुनिया में सारे देश सिर्फ एक दुश्मन से लड़ रहे हैं। इस समय इकलौता भारत है जिसे तीन तीन मोर्चों पर लड़ाई लड़नी पड़ रही है। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई, चीन प्रायोजित कोरोना के खिलाफ लड़ाई और खुद चीन से लड़ाई। मई के पहले हफ्ते में शुरुआत हुई थी इस तकरार की, इस टकराव की, और उसके बाद से लगातार चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जब उसने सीमाओं को लांघने की कोशिश न की हो। हमारे जवान, हमारे सैनिक वहां पर मुस्तैद खड़े हैं, लेकिन ये टकराव कैसे खत्म होगा? आखिर कैसे, भारत को आखिर करना क्या चाहिए कि चीन को अपने कदम वापस खींचने पाए? आज भारत के तमाम पराक्रमी जनरलों और रक्षा विशेषज्ञों से बातचीत करके हम आपको बताएंगे कि चीन का इलाज क्या है। चाइना जो बोलता है वो करता नहीं है, जो करता है वो दिखाता नहीं है, और जो दिखाता है वो होता नहीं है। हमें इसमें कतई चूकना नहीं चाहिए, ना मिलिटरली चूकना है, ना डिप्लोमेटिकली चूकना है, ना पॉलिटिकली चूकना है। देखिए, इतनी स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक स्टेटस भारत का पहले कभी नहीं था। इंडियन आर्मी का जो स्टैंडर्ड है बहुत ऊंचा है। इंडियन आर्मी का जो कॉम्बैट एक्सपीरियंस है पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। लद्दाख में लात घूसों से पिटने वाले चीनी सैनिकों का क्या है पक्का इलाज? क्या चीन युद्ध चाहता है? क्या चीन चाहता है कि हमसे गलवान वैली में एक युद्ध हो जाए? क्या फायदा होगा उससे? महामारी के दौर में भी घुसपैठ करने वाले ड्रैगन का असली इरादा क्या है? इस समय चीन कटघरे में खड़ा दुनिया के अंदर कोरोना के लिए, ऐसे समय पर चीन चाहता है कि थोड़ी अटेंशन डाइवर्ट। क्या बॉर्डर पर 1962 वाले हालात फिर से बना रहा है चीन? आज 62 नहीं है, 62 में हमारी आर्मी को रिवर्सल्स हुए, लेकिन आज हालात 62 के नहीं है। चीन के खिलाफ LAC पर कैसी है हमारे फौलादी जवानों की तैयारी? मतलब हमारी वहाँ पे फौज जो लग रही है वो चाइना ने जितने लगाए उससे ज़्यादा होनी चाहिए। आप दबाव तभी डाल सकते हैं ना जब आपकी फौज ज़्यादा होगी चाइना से। और दूसरी चीज़ ये है कि ऑफेंसिव एक्शन लें, उनको बोले भाई हटो, निकलो यहाँ से, नहीं तो अगर उस दौरान में हाथापाई हो जाती सो बीट। बॉर्डर पर चीनी सैनिक करते हैं कैसी कैसी बदमाशी। हमने ये देखा है कि चीन के अंदर जब भी वो चाहते हैं कि लोगों का ध्यान दूसरी तरफ बटे, ऐसी चीजें होती हैं। कोई इसमें नई चीज नहीं है। क्या ताइवान कार्ड से भारत अब चीन को करेगा चारों खाने चित? Our troops on the border should not feel that it cannot happen again, or it cannot happen another sector again. So what I was trying to say is that it is always better to remain prepared and alert. Then think that these things will not happen. So my message to my people is that remain prepared. It can happen again. Corona काल में जब पूरी दुनिया जिंदगी बचाने में जुटी है, तब एशिया का अजगर एक बार फिर से फुफकार रहा है। दोनों देश कोरोना के टाइम में कोरोना फाइट करना चाहिए। ड्रैगन ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर साजिशों की अगली किश्त जारी की है। आमने सामने का मोर्चा इस बार वास्तविक नियंत्रण रेखा के लंबे दायरे पर खुला है।
ऐसे हालात में कैसी होनी चाहिए भारत की रणनीति? इसे निपटने के लिए हमारे प्रोटोकॉल पहले से हैं। वो अगर उस पेट्रोल के लेवल पर ये मामला सुलझा नहीं जा सकता तो फिर डेलीगेशन लेवल मीटिंग होते हैं, हाईएस्ट मिलिट्री लेवल कमांडर मीटिंग होते हैं और उस वक्त आपस में बातचीत करके एक दूसरे के पॉइंट को समझते हुए फिर दोनों साइड डिसएंगेज हो जाते हैं। जंग जंग करते चीन को जंग का अंजाम हिंदुस्तान के जनरल समझाएंगे। चीन की चालबाजियों का क्या है जवाब, ये हिंदुस्तान के रक्षा एक्सपर्ट्स बताएंगे। आज की तारीख में इंडियन आर्मी बहुत सशक्त है। आज के हालात में मैं सोचता हूँ कि टॉप लीडरशिप डिप्लोमेटिक तरीके से और मिलिट्री ऑन ग्राउंड सबको मिलकर इसको रिजोल्व करना चाहिए। जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारी जो काबिलियत है, वो एक अलग दर्जे की है। सब देश जो है चीन के खिलाफ खड़े दिखाई देते हैं। ऐसे समय पर चीन चाहता है कि थोड़ी अटेंशन डाइवर्ट हो, लोग बाग दूसरी तरफ देख रहे। वी आर मिलिटरली वेरी स्ट्रांग एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। हमारी भारत की आज जो सेना है वो 62 की सेना तो रही नहीं, इट्स अ वेरी प्रोफेशनल आर्मी। चीन पूरी दुनिया को झूठ की ये घुट्टी पिला रहा है कि गलती उसकी नहीं, गलती भारत की, लेकिन तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। सैटेलाइट से ली हुई तस्वीरें ये साफ साफ बयां करती हैं कि पिछले कुछ दिनों में किस तरीके से हलचल बढ़ी है, चीन के सैनिकों की मौजूदगी बढ़ी है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर। लद्दाख की गलवान घाटी और पेंगोंग झील से आई चीनी अतिक्रमण की तस्वीरों ने स्पष्ट कर दिया था कि चीन टकराव की स्थिति पैदा करने के मूड में है। लेकिन अब जो नई तस्वीरें मिली हैं, वो चीन के खतरनाक इरादों की ओर इशारा कर रही हैं। पर चीन के लिए बुरी खबर ये है कि उसकी हर हरकत पर नजर है। भारत ने सदा ही पीस में बिलीव किया है और हम शांतिपूर्ण रहे हैं, लेकिन शांतिपूर्ण का ये मतलब नहीं होता कि हम कमजोर हैं। उन्होंने अपना रोड इंफ्रास्ट्रक्चर किस अच्छी तादाद में बढ़ा दिया। उनका रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बॉर्डर तक है, सब ऑल अक्रॉस LAC। और जबकि हमारी तरफ से जब हम थोड़ा सा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की कोशिश करते हैं, वो हमेशा किसी ना किसी डिसगाइज में वो हमेशा इसमें प्रोटेस्ट करना शुरू करते हैं, जैसे कि अब हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। ये चाइना का एक फोरथॉट है, क्योंकि वो अपनी सुप्रीमेसी दिखाना चाहता है। उसको ये है कि मैं डरता नहीं हूँ, मेरे पास पावर है। सैटेलाइट से मिली ये तस्वीरें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC के पास 14 मई की हैं, यानी उस रोज की जिस दिन दोनों देशों के सैनिकों के बीच हाथापाई की खबर आई थी। इस तस्वीर में जो 30 से 50 मीटर लंबी चीज दिख रही है, ये चीनी सेना का दस्ता हो सकता है। जमीनी संरचना इस तरह तब बदलती है जब कोई भारी मूवमेंट हो। ये सड़क सरहद से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है, जिसे 2018 में चीन ने बना लिया था। 14 मई से 24 मई के बीच की इन तस्वीरों का अंतर देखिए, सब समझ में आता है कि किस तरह चीन लगातार सैन्य जमावड़ा बढ़ाता जा रहा है। आज की इस हालात में भी लोग बिल्कुल तैयार है, हम बिल्कुल इंडियन आर्मी के साथ तैयार है, इंडियन के साथ तैयार है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो भी हालात वहां पे भी होता है तो हम उसको डट के मुकाबला करेंगे। एज ए सिविलियंस भी वॉलंटियरली तौर पे भी हम बिल्कुल उन पे आर्मी के साथ कंधे से कंधे मिला के हम बिल्कुल साथ निभाने के लिए तैयार हैं। सैटेलाइट इमेजेस से ये भी साफ होता है कि चीन ने किस तरीके से ट्रकों में छुपा छुपा कर अपने सैनिकों को सरहद तक पहुंचाया था। सवाल ये उठता है कि ऐसे में भारत को करना क्या चाहिए। जरूरी है कि हम उन जनरलों के, उन एक्सपर्ट्स के अनुभव से जाने जिन्होंने चीन की चालबाजियों का सामना इतने सालों से किया है। क्या कहते हैं वो, इस समय भारत ऐसा क्या करे कि चीन को कदम वापस खींचने पड़े। पिछले कुछ सालों में चीनी सैनिकों ने जब भी भारतीय सीमा का उल्लंघन करने की कोशिश की तो हालात ऐसे ही बने। चाइना का बहुत पहले से यह मानना है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। कुछ स्थानों पर तो वह स्वीकार करते हैं, कुछ स्थानों पर मानते हैं कि वे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यह जो है वह लाइन नहीं है जो कि भारत और चाइना को जो विभाजित करती हो। तो उनका क्लेम है कि आगे तक है,
और हम लोगों की भी कुछ स्थानों पर इसी प्रकार की एक धारणा है। तो हमारी पेट्रोलिंग कभी एलएसी तक होती है, कभी उनके लोग भी एलएसी क्रॉस करके इधर आ जाते हैं। यह सिलसिला पहले भी चलता रहा है, मैंने ऐसा नहीं कि यह पहली बार हुआ, लेकिन बातचीत के द्वारा समय समय पर इसे भारत भी रिजॉल्व करता रहा है और चाइना भी रिजॉल्व करता रहा है। डोकलाम की जो कुछ भी हालात पैदा हुए थे 2017 में ही आपने देखा। हाथापाई, गुत्थम गुत्था और कटीले तारों वाले डंडे तक चल गए, लेकिन गोलियां नहीं चली। जब हमने ये दो प्रोटोकॉल बनाए, एक 1993 पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट और एक 1996 में, उसमें बोला गया है कि गोली नहीं चलनी चाहिए। जो समस्या है उसका डिप्लोमेटिकली और बातचीत से हल निकलना चाहिए, ये लिखा हुआ है उस प्रोटोकॉल के अंदर। तो पहली बात तो चाइनीज को ये समझाना चाहिए कि वो ये है, नहीं समझे तो फिजिकली उनको हटाओ वहां से। 1967 भारत चीन युद्ध के हीरो रहे मेजर जनरल शेरू थपलियाल ने एलएसी पर कई बार ऐसे हालात का सामना किया है और चीन की ऐसी चालों का इलाज भी उन्हें पता है। इंडियन आर्मी दो चीजें करे, पहली चीज तो यह है कि अपना बिल्डअप करे वहां पे, मतलब हमारी वहां पे फौज जो लग रही है वो चाइना ने जितने लगाए उससे ज्यादा होनी चाहिए। आप दबाव तभी डाल सकते हैं ना जब आपकी फौज ज्यादा होगी चाइना से। और दूसरी चीज ये है कि ऑफेंसिव एक्शन ले, उनको बोले भाई हटो निकलो यहाँ से, नहीं तो अगर उस दौरान में हाथापाई हो जाती सो बी इट। सीमा के जितने बड़े दायरे को चीन ने इस बार एक्टिवेट किया है उतना पिछले कई दशकों से देखने को नहीं मिला, या यूं कहें कि 1962 के युद्ध के बाद पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है। ऐसी स्थिति में कैसे निपटे भारत? पॉलिटिकल पे रिजॉल्व होने से पहले जो आर्मी ने मतलब एक बार भी अपनी नजर नहीं झुकाई, ना अपना कदम पीछे लिया, क्या ये स्ट्रेटजी है जो चाइना जैसा देश जो कि हमेशा धमका कर काम निकाल लेता है उसके लिए कारगर होता है? बिल्कुल, देखिए वो जमाना चला गया है, जैसे मैंने कहा ये 62 नहीं है, ये 2020 है। आज की आर्मी वो आर्मी नहीं है जो 62 में थी, आज की आर्मी 2020 की है। आज की आर्मी उन व्यक्तियों की है, उन ऑफिसर्स जेसीओ और जवान की है जो देश के लिए कुछ भी करने को तैयार है एंड दे आर ट्रेंड। हाई ऑल्टीट्यूड में उनकी एक्लमेटाइजेशन हो रखी है। जो भी यूनिट्स आज आप देख रही हैं गलवान वैली में या पेंगोंग्सो में इंडक्ट हो रही हैं एज रिजर्व्स, वो एक्लमेटाइज्ड हैं। हम आपको ये भी समझाते हैं कि भारत और चीन के बीच की सीमा किस तरह की दिखती है। बेसिकली अगर हम देखें तो ग्राउंड पर देयर इज नो डिमार्केशन ऑफ लाइन एनीवेयर ऑन इंडो चाइना बॉर्डर, और ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भी नहीं कह सकते इसको। इसमें तीन तरह की चीजें होती है, एक है इंटरनेशनल बॉर्डर, द अदर वन इज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और तीसरा है लाइन एलओसी। तो ये तीन चीजें हैं, एलएसी, एलओसी एंड बॉर्डर, इंटरनेशनल बॉर्डर। तो जहां पर चाइना के साथ है उसमें आई भी बहुत कम है, इंटरनेशनल बॉर्डर बहुत कम है, लेकिन एलएसी और एलओसी ज्यादा है। तो वो पोर्शन बहुत ज्यादा है और वो दिखाई नहीं देता है। जब ये शुरू में जब इंडो चाइना बॉर्डर डिमार्क हुआ था ब्रिटिश टाइम पर, तो मैकमोहन लाइन जो है वो एक बनाई गई थी, इट वॉज बेस्ड ऑन दी वाटरशेड प्रिंसिपल, और पॉइंट्स दिए गए थे कि हाइट सो एंड सो, लाइनिंग ज्वाइनिंग हाइट सो एंड सो, टू पॉइंट सो एंड सो, टू पॉइंट सो एंड सो। सो दिस वॉज मार्क्ड ऑन मैप एंड ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकली इन सर्टेन एरियाज इट इज बहुत ही डिफिकल्ट है एक आदमी के लिए जाने के लिए, क्योंकि वो ग्लेशिएटेड एरिया है उसमें जा ही नहीं सकता, लेकिन वो बॉर्डर लाइन पर है, एलएसी वो मार्क हो गई और वहां पर जो है वो ग्राउंड पर मार्किंग नहीं दिखाई देती। एलओसी पर भी नहीं है क्योंकि बहुत कम है, बहुत कम एरिया है, जैसे नॉर्थ ईस्ट में कुछ एरिया है जहां पर के कुछ इस तरह की डिमार्केशंस हैं, लेकिन एलएसी में कहीं भी नहीं है। लद्दाख से अरुणाचल तक फैली भारत चीन सीमा का सही सीमांकन नहीं है, इसी का फायदा उठाता है चीन, लेकिन भारतीय सेना ने चीन की आंख में आंख मिलाकर हर बार उसे मुंह तोड़ जवाब दिया। चाहे वो डोकलाम में 73 दिन चला चीन का ड्रामा हो या फिर गलवान घाटी में चीन की नई चाल, क्योंकि चीन इतना शातिर है कि नजर हटते ही वो गिद्ध की तरह
खाली जमीन पर झपट्टा मारता है। अगर हम खड़े रहें अडिग रेजोल्यूट कि हमने ये करना है, हम आपको जाने तो नहीं देंगे और हम अपना काम रुकेंगे भी नहीं। जैसे मान लीजिए इस रोड कंस्ट्रक्शन की बात हो रही है तो एवेंचुअली वो बैक डाउन कर जाते हैं। एक तरफ शी जिनपिंग ने कहा कि आर्मी तैयार रहे उनकी, वो एक नेचुरल सी स्टेटमेंट है, हमेशा आर्मी तैयार रहे। लेकिन अब फॉरेन मिनिस्ट्री से स्टेटमेंट जो आई है, जो उनके एम्बेसडर ने जो स्टेटमेंट दी है, अब हो रहा है कि हम मिलके बैठ के डिसाइड कर सकते हैं, एक अच्छे माहौल में डिसाइड कर सकते हैं। तो मेरी समझ से बेस्ट यही है जो इंडिया स्ट्रेटजी अपनाता रहा है, हम रेजोल्यूट रहते हैं कि हम जो कर रहे हैं, जो हमारे देश के हित में है, वो तो हम करेंगे। इस बार चीन के इरादे इसीलिए खतरनाक हैं क्योंकि वो एलएसी के जितना भीतर गलवान घाटी तक दाखिल हुआ है वो भारतीय सीमा के बहुत अंदर है। भारतीय सेना भी अटल वहीं पर खड़ी रहेगी जब तक चीनी सैनिक उल्टे पांव वापस नहीं जाते। मैं देश को इतना ही आश्वासन देना चाहता हूं कि पूरी तरह से देश को आश्वस्त रहना चाहिए कि हम किसी भी सूरत में भारत के स्वाभिमान पर चोट नहीं पहुंचने देंगे। वैसे भारत की बहुत ही स्पष्ट नीति रही है कि हम अपने पड़ोसी देशों के साथ अपने रिश्ते अच्छे बनाकर चलें, और यह प्रयत्न हमारा आज से नहीं, पहले से ही बराबर भारत ये करता रहा है। लेकिन कभी कभी चीन के साथ कुछ ऐसी परिस्थितियां ये पैदा हो जाती हैं, और इसके पहले भी पैदा हुई हैं, और हाल फिलहाल में इस मई के महीने में भी वहाँ पर एलएसी के ऊपर, जैसा आपने कहा, कि ये परिस्थितियाँ पैदा हुई हैं। लेकिन इसको सुलझाने की कोशिश जारी है। देश के पास एक सशक्त नेतृत्व भी है, सक्षम नेतृत्व भी है। देश का मस्तक कभी झुकने नहीं देंगे, यह भरोसा तो देश की जनता को है। मैं समझता हूँ देश की जनता को मुझे आश्वस्त करने की जरूरत नहीं है, देश की जनता को यह भरोसा है। चीन को समझना लगभग नामुमकिन है, ऐसे में कम से कम हम यही समझने की कोशिश करते हैं कि चीन ऐसा कर क्यों रहा है, क्योंकि कोरोना को लेकर पहले ही दुनिया भर में वो घिरा हुआ है। क्या कारण है कि अचानक उसने एलएसी पर अपनी गतिविधियों को इस तरह से बढ़ाया है? चीन दुनिया के सामने भारत को डराने की एक्टिंग कर रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि वो खुद अंदर तक डरा हुआ है। एक तरफ अमेरिका चीन से कोरोना की कीमत वसूलने पर अड़ा, ऑस्ट्रेलिया ब्रिटेन जैसे देश चीन से हिसाब मांग रहे हैं, दूसरी तरफ हिंदुस्तान की बढ़ती ताकत से चीन बौखला रहा है। मैं ये बात रिकॉर्ड पर रखना चाहता हूं कि जब मैं सदन में जब जम्मू एंड कश्मीर राज्य बोला हूं, तब पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और अक्साई चीन दोनों इसका हिस्सा है, ये बात को आज। पीओके पर भारत ने जब से अपना रुख स्थायी रूप से स्पष्ट किया है, चीन परेशान है। भारत पीओके वापस ले लेता है तो सबसे ज्यादा नुकसान चीन का होगा, क्योंकि तब अक्साई चीन से लेकर गिलगित बल्टिस्तान तक चीन की जो खुलेआम दादागिरी चलती है वो नहीं चल पाएगी। चीन ने ग्वादर बंदरगाह के रास्ते पेट्रोलियम हासिल करने की योजना बनाई, जो पीओके से होकर जाता है। चीन की महत्वाकांक्षी योजना चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिहाज से रास्ता बेहद महत्वपूर्ण है। चीन इस पर 46 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा का खर्च कर चुका है। भारत पीओके वापस ले लेता है तो सामरिक और व्यापारिक दोनों ही तौर पर चीन घाटे में रहेगा। जैसे मैंने कहा कि उनको फाइनेंशियल काम वो नहीं दे रहे जो पहले दे रहे थे, उनके ऊपर कुछ एक दो रुकावटें लगा दी गई हैं कि दे विल हैव टू बी सब्जेक्टेड टू सर्टेन क्लेरिफिकेशंस, और कुछ इंडस्ट्री का भी हो रहा है, G5 के भी कुछ परेशानी है, वो होगा कि नहीं होगा। तो एक किस्म से द माहौल इज बिकमिंग अ बिट कॉन्फ्रंटेशियस। पिछले कुछ समय से भारत ने लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में चीन से सटी सीमाओं पर सड़क निर्माण का काम तेज किया। बेहद कठिन परिस्थितियों में, लेकिन बेहद कम समय में भारत ने सड़क निर्माण कार्य को अंजाम दिया। कि भारत की कोशिश रही है कि सरहद का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बने। हमारे 2011-12 में, मेरे रिटायर होने से पहले,
तकरीबन 72 प्रोजेक्ट थे जिससे कि हम अपने स्ट्रेटेजिक रोड और दूसरी चीज़ें सरहद तक पास ले जा सकें। आपको जानकर खुशी होगी कि इसमें से 99% पूरे हो चुके हैं। 1% के अंदर 2 रोड हैं टोटल, जिनके अंदर 27 किलोमीटर का काम हो रहा है, वो भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो हम किसी उसके अंदर नहीं है कि देश के काम के कारण हम किसी और की बात सुने। जो देश का काम है वो पूरे तरीके से होगा, जहां तक हमको ले जाना है वहां तक होगा, और उसके अंदर चाहे वो राजनीति हो, चाहे कोई दबाने की कोशिश हो, चाहे ध्यान बांटने की कोशिश हो, उसका हमारे पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लद्दाख के दुर्भुग से दौलतबेग ओल्डी तक भारत ने सड़क का निर्माण करने की ठानी है। सड़क का उद्घाटन अक्टूबर 2019 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया था। ये सड़क गलवान घाटी से होकर गुजरती है। भारत ने यहाँ बैरक, बंकर और दूसरे निर्माण का काम पूरा कर लिया है। चीन को सबसे बड़ी आपत्ति इसी सड़क के निर्माण को लेकर है, क्योंकि भारत अब उसकी किसी भी हिमाकत का तुरंत जवाब देने में सक्षम है। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट, जहाँ पर मुठभेड़ होगी उस जगह बराबर की चोट मिल सकती है, उससे चाइना को परेशानी होती है। He's peeved about it. He's not happy about it. कोरोना क्राइम के टैग से बदरंग हो चुके चीन से सैकड़ों कंपनियां चीन से बाहर जाना चाहती हैं। कुछ ने तो अपना कारोबार समेट भी लिया है। दूसरी तरफ भारत के मानवीय व्यवहार और छवि के चलते भारत दुनिया का नया मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की तरफ कदम बढ़ा चुका है। कई कंपनियां भारत आने को तैयार हैं। चीन को डर है कि भारत दुनिया का नया सुपर पावर बन सकता है। ताज्जुब नहीं कि चीन की छटपटाहट तब से ज्यादा बढ़ी है जब से प्रधानमंत्री ने भारत के लोकल के लिए वोकल होने की वकालत की है। आज जो ग्लोबल ब्रांड्स लगते हैं वो भी कभी ऐसे ही बिल्कुल लोकल थे, लेकिन जब वहां के लोगों ने उनका इस्तेमाल शुरू किया, उनका प्रचार शुरू किया, उनकी ब्रांडिंग की, उन पर गर्व किया, तो वो प्रोडक्ट्स लोकल से ग्लोबल बन गए। इसलिए आज से हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है। न सिर्फ लोकल प्रोडक्ट्स खरीदने हैं बल्कि उनका गर्व से प्रचार भी करना। भारत और चीन के बीच 1962 में युद्ध हुआ, लेकिन उसके बाद से टकराव के बावजूद परिस्थितियां ऐसी रहीं कि सीमाओं पर गोलियां चलाने की आवश्यकता नहीं हुई, यानी कि दो परिपक्व देशों की निशानी। पर चीन बार बार इस तरह से उकसावे की कार्रवाई करता रहा है, और आज की तारीख में वो जो कुछ कर रहा है उससे सबके मन में ये सवाल उठ रहा है कि क्या चीन युद्ध चाहता है? क्या महामारी के दौर में भारत से युद्ध की तैयारी कर रहा है चीन? चाइना का माइंड पढ़ना इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, क्योंकि वो जो बोलता है वो करता नहीं है, जो करता है वो दिखाता नहीं है, और जो दिखाता है वो होता नहीं है। दैट्स अ फैक्ट। उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो सोचते कुछ हैं, करते कुछ हैं, दिखाते कुछ हैं, और जब वो सोचते हैं तो आज से 100 साल के बाद की सोचते हैं, आज की नहीं सोचते। क्या 1962 की तरह फिर से भारत के साथ धोखा कर सकता है चीन? '62 में हम लोग जो थे, हमारी डिप्लॉयमेंट ठीक नहीं थी, इस वजह से हम लोग एक डिसएडवांटेज पे थे, लेकिन अभी वो चीज़ नहीं है। दूसरी चीज़ जो हमारे फेवर में हो गई है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है बॉर्डर एरियाज के अंदर, वो बहुत इम्प्रूव हो गया। ड्रैगन ने क्यों अचानक सेना को लेकर बदल ली है अपनी रणनीति? ये देख रहा है कि, और चाइना ने आपने देखा होगा पिछले 3-4 साल में अपनी स्ट्रैटेजी बदली की है।
उसमें उन्होंने ये कहा है कि वी विल डू स्मॉल साइज ऑपरेशंस. आपने 62 में देखा होगा, पिक्चरों में देखा होगा, वेव्स ऑफ चाइनीज यूज टू कम एंड अटैक. अब वो उनकी कॉन्सेप्ट बदल गई है, अब उनकी कॉन्सेप्ट स्मॉल टीम हो गई है. दे रिलाई मोर ऑन हेलीकॉप्टर्स, दे रिलाई ऑन स्मॉलर टीम एक्टिविटी. स्मॉलर टीम माने कुड बी अ कंपनी, कुड बी अ कंपनी लेस, कुड बी अ बटालियन, स्मॉलर साइज फोर्सेस विच कुड बी मेंटेन्ड. भारत के किस एक्शन से डरा ड्रैगन, सीमा पर खेल रहा है डर्टी गेम. उनका रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बॉर्डर तक है, सब ऑल अक्रॉस एलएसी. और जबकि हमारी तरफ से जब हम थोड़ा सा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की कोशिश करते हैं, वो हमेशा किसी ना किसी डिसगाइज में वो हमेशा इसमें प्रोटेस्ट करना शुरू करते हैं, जैसे कि हमें यहाँ देखने को मिल रहा है. कोरोना वायरस की जन्मभूमि चीन में इन दिनों कोहराम मचा हुआ है. कहां तो कोरोना काल में जिनपिंग सुपर पावर बनने के सपने देख रहे थे, कहां सड़क पर आने की नौबत आ गई. इसके पीछे कारण भी कई हैं. कोरोना को लेकर WHO में 100 से अधिक देशों ने चीन के खिलाफ जांच की मांग कर दी. सुपर पावर अमेरिका ने चीन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया. हांगकांग रेत की तरह उसकी मुट्ठी से फिसल रहा है. ताइवान ने सीधा चीन को चुनौती देना शुरू कर दिया है. दक्षिणी चीन सागर में जापान और वियतनाम उसे खुली चुनौती दे रहे हैं. जिन कंपनियों के दम पर अब तक चीन उड़ रहा था, वो कंपनियां ही चीन से उड़ने की तैयारी कर रही है. बड़े कारोबारी पार्टनर भारत ने भी चीन के सीधे निवेश पर नकेल कसती है. कुल मिलाकर कोरोना के दौर में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में चीन की हैसियत 2 कौड़ी की होती जा रही है. ऐसे में बौखलाया चीन अपनी थाक जमाने के लिए भारतीय सीमा पर गीदड़ भभकी दे रहा है. सर, ये जो चीन अभी कर रहा है, आपको हाल फिलहाल याद आता है कि इस तरीके से पूरे बॉर्डर को उसने, पूरी सीमा को, लगभग अरुणाचल को अगर हम छोड़ दें, बाकी पूरी सीमा को उसने एक्टिवेट करने की कोशिश की है, क्या वजह लग रही है? देखिए, इसकी कई वजह हो सकती हैं. पहली तो ये है कि हमने जो दुनिया के बाकी देशों के साथ मिलके ये मांग की है कि ये जो वुहान से जो लीक हुआ ये वायरस, ये कैसे हुआ, इसकी जाँच होनी चाहिए. सो दैट मे हैव instigated them. इस समय चीन कटघरे में खड़ा दुनिया के अंदर कोरोना को लेकर. वुहान का नाम आता है, चीन के बायोलॉजिकल वॉरफेयर का नाम आता है, सब देश जो है चीन के खिलाफ खड़े दिखाई देते हैं. ऐसे समय पर चीन चाहता है कि थोड़ी अटेंशन डाइवर्ट हो, लोग बाग दूसरी तरफ देखने. अब सवाल ये उठता है कि मुसीबतों से घिरा चीन क्या सच में महामारी के दौर में युद्ध की तैयारी कर रहा है? आखिर वो क्यों LAC पर इतना आक्रामक हो गया? ईस्टर्न लद्दाख में अब देखिए सड़कें बन गई, काफ़ी सड़कें बन गई. दौलत बेग औल्दी का एयरपोर्ट कमर्शियल हो गया, फुकचे का एयरपोर्ट कमर्शियल हो गया. हमने वहाँ कुछ दिन पहले एक टैंक रेजिमेंट भी भेज दिए, मैकेनाइज कॉलम्स भी वहाँ पर हैं. और आप देखें इस तरह से उत्तराखंड में भी हम नई सड़क बनी है, जिसकी बातचीत अभी हो ही रही है, जो कि काली नदी के बगल में बनी है, उससे नेपाल परेशान हो रहा है. उधर आप देखें अरुणाचल में भी काफ़ी हद तक सड़कें बन रही हैं. तो ये सड़कों से और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से चाइना को ये लगने लगा कि अब मैचिंग सिचुएशन आ रही है. उनकी आउटस्टैंडिंग सुपीरियरिटी थी, अब मैचिंग बातचीत चल रही है. चीन 1962 की यादों में खोया रहना चाहता है. उसे लगता है वो आंख दिखाएगा तो भारत डर जाएगा. लेकिन ये 2020 का भारत है, जो आंखें मिलाता भी है और अपने अंदाज में समझाता भी है. इसका ट्रेलर भारत वक्त वक्त पर दिखाता भी रहता है. अब आपने देखा, जैसे वहां सिक्किम में हमारे एक सेकंड लेफ्टिनेंट ने घूसा मार के एक मेजर, चाइनीज मेजर को गिरा दिया, तो गर्मा गर्मी हो गई. इसे निपटने के लिए हमारे प्रोटोकॉल
पहले से हैं, वो अगर उस पेट्रोल के लेवल पर ये मामला सुलझा नहीं जा सकता तो फिर डेलीगेशन लेवल मीटिंग होते हैं, हाईएस्ट मिलिट्री लेवल कमांडर मीटिंग होते हैं और उस वक्त आपस में बातचीत करके एक दूसरे के पॉइंट को समझते हुए फिर दोनों साइड डिसएंगेज हो जाते हैं। भारत पाकिस्तान की तरह न तो एलएसी पर कोई पक्का निर्माण है न ही कांटेदार तार है। आम दिनों में यहां पर मोर्चा संभाल रखा है आईटीबीपी के जाबाज जवानों ने। जेवीएस चौधरी आईटीबीपी के डीआईजी रह चुके हैं, कई साल तक एलएसी पर तैनात रहे, जमीनी मुश्किलें क्या है इनसे समझते हैं। जब ये शुरू में जब इंडो चाइना बॉर्डर डिमार्क हुआ था ब्रिटिश टाइम पर, तो मैकमोहन लाइन जो है वो एक बनाई गई थी, इट वाज बेस्ड ऑन द वाटरशेड प्रिंसिपल और पॉइंट्स दिए गए थे कि हाइट सो एंड सो, लाइनिंग ज्वाइनिंग हाइट सो एंड सो, टू पॉइंट सो एंड सो, टू पॉइंट सो एंड सो। सो दिस वाज मार्क्ड ऑन मैप एंड ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकली इन सर्टेन एरियाज इट इज बहुत ही डिफिकल्ट है एक आदमी के लिए जाने के लिए, क्योंकि वो ग्लेशिएटेड एरिया है उसमें जा ही नहीं सकता, लेकिन वो बॉर्डर लाइन पर है, एलएसी वो मार्क हो गई और वहां पर जो है वो अपना ग्राउंड पर मार्किंग नहीं दिखाई देती। भारत और चीन दो विशाल देश, हम एक तरह से माने तो आने वाले दिनों में दोनों प्रतिस्पर्धा में भी आर्थिक तौर पर देखे जाएंगे, ऐसा दुनिया की हर एक एजेंसी का दावा है। आज की तारीख में अगर हम सैन्य तुलना करें चीन और भारत के बीच, तो किसका पलड़ा कहां नजर आता है? अगर युद्ध हुआ ही चीन जिसकी जिद कर रहा है, तो कैसा मुकाबला होगा? भारत कितना ताकतवर है? अमेरिका और भारत के साथ चल रहे तनाव के बीच चीन ने साल 2020 के लिए रक्षा बजट में 6.6% की बढ़ोतरी की। अमेरिका के बाद चीन सबसे ज्यादा पैसा रक्षा पर खर्चा कर रहा है। चीन का रक्षा बजट भारत से करीब 3 गुना है, लेकिन चीनी सेना के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वो भारतीय सेना की तरह नहीं है। इंडियन आर्मी का जो स्टैंडर्ड है बहुत ऊंचा है, इंडियन आर्मी का जो कम्बैट एक्सपीरियंस है पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है, चाइना का कम्बैट एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं है। 62 की दुहाई तो देता है चीन, लेकिन जरा उसका अपना रिकॉर्ड देख लीजिए, यहाँ तक कि 1979 में उसे वियतनाम जैसे छोटे पड़ोसी देश ने हरा दिया। लेकिन चीन आज तक इस बात को मानता नहीं, युद्ध में बार बार मात खाने के बाद चीन युद्ध की धमकी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है, लेकिन जब भी युद्ध की नौबत आती है पांव पीछे खींच लेता है। आज की सिचुएशन वर्ल्ड ओवर किसी भी कंट्री के साथ ये है, कोई आदमी फुल फ्लेज वार नहीं ले सकता, ओनली थिंग इज के वो पर्टिकुलर एरिया में जो उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसको कैप्चर करने के लिए, उसको लेने के लिए एरिया स्पेसिफिक में जो है वो अपने फाइटिंग उसके लिए वो रहता है और वो करने की कोशिश कर सकता है। मैं ये नहीं कहता नहीं कर सकता, क्योंकि चाइना का माइंड पढ़ना इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, क्योंकि वो जो बोलता है वो करता नहीं है, जो करता है वो दिखाता नहीं है और जो दिखाता है वो होता नहीं है। उन्नीस के बाद भारत और चीन में एक बार और टकराव हुआ था, ठीक 5 साल बाद। हाँ, 1962 के युद्ध की तरह ये एक विस्तृत क्षेत्र में नहीं हुआ था, लेकिन एक छोटे से क्षेत्र में ही किस तरीके से भारतीय सैनिकों ने चीन को जबरदस्त पटखनी दी थी, ये भी चीन को याद रखना चाहिए। 67 में जब हम ये शुरू हुआ सिक्किम में, तो वो पहली दफे था जबकि हमने चाइनीज को मुंह तोड़ जवाब दिया, बल्कि परेशान हो गए वो, हमने उनके 400 आदमी मार दिए, बंकर डिस्ट्रॉय कर दिए, और चाइनीज ने फिर बोला कि हम एयरफोर्स यूज करेंगे, इसको बंद करो।
तो मतलब वी डिडंट ब्लिंक, और अभी भी यही होना चाहिए, वी मस्ट नॉट ब्लिंक। '87 में भी चीन को ऐसी ही मात मिली थी। उन दिनों भीषण ठंड के मौसम में भारतीय सेना ऊंचाई वाली जगहों को खाली कर देती थी। इसका फायदा उठाकर 1986 में तवांग के समदोरांगचू इलाके पर चीनी सैनिकों ने कब्जा कर लिया। समझाने पर जब चीन नहीं माना तो भारतीय सेना ने ऑपरेशन शुरू किया। तत्कालीन सेनाध्यक्ष जनरल सुंदर जी ने पूरी ब्रिगेड को विवादित सीमा पर पहुंचाया। भारत ने रणनीतिक बढ़त ली तो चीन कूटनीति पर उतर आया। यहाँ भी उसकी हार हुई। मई 1987 में बिना एक भी गोली चलाए लद्दाख से लेकर पूर्वोत्तर तक चीन को काबू में कर लिया गया। चाइना को डील करने का बेस्ट तरीका क्या है, क्योंकि वो हमेशा 62 पे ले जाता है, उसके आगे की बात नहीं करता है। तो क्या ऐसा करना चाहिए आज की तारीख में, क्योंकि हथियार आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं लेकिन उसके बावजूद आपको शक्ति दिखानी है। देखिए, पहले तो आपने 62 की बात की। 62 आज 62 नहीं है। 62 में हमारी आर्मी को रिवर्सल हुए, लेकिन आज हालात 62 के नहीं है। भले ही इंडियन आर्म फोर्सेस कहते रहे हमें और मॉडर्नाइज करने की जरूरत है, लेकिन आज की तारीख में इंडियन आर्मी बहुत सशक्त है। आज के हालात में हमेशा चाह होती है ज़्यादा मॉडर्नाइज करने की, ज़्यादा बेहतर इक्विपमेंट लेने की, लेकिन हम लोग काबिल हैं अपनी रक्षा करने के लिए। चीन हिंदुस्तान को परेशान करने की कोशिश कर रहा है, हमारी जमीन हड़पने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी लंबी सी सूची में अकेले हम नहीं हैं। हम तो वो हैं जो उससे मुकाबला कर पा रहे हैं, वरना छोटे देशों का तो वो जीना मुहाल कर रहा है। ताइवान, हांगकांग, ये सब चीन से बेजार है। कोरोना काल में चीन पूरी दुनिया के लिए सरदर्द बना हुआ है। अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण चीन सागर के इर्द गिर्द जो देश हैं, वो चीन के खिलाफ एक हो रहे हैं। ऐसे में चीन को डर है कि कहीं ताइवान और हांगकांग उसके हाथ से निकल न जाए। भारत ने चीन को ताइवान के मुद्दे पर जोर का झटका दिया है। दिल्ली से बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी और राजस्थान के चुरू से सांसद राहुल कासवान ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन के शपथ ग्रहण में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से शामिल हुए। इससे चीन इतना डर गया कि उसने भारत से लिखित शिकायत कर दी। हांगकांग पर पकड़ बनाने के लिए चीन वहां पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करना चाहता है। हांगकांग के लोग इसे काला कानून मानते हैं, क्योंकि इस कानून के लागू होने के बाद उनकी आजादी खत्म हो जाएगी। इस मुद्दे पर चीन की ढेरों देशों से ठनी हुई है। देखिए, चाइना का जो बेसिक एक थिंकिंग है, वो अपने आप को आइसोलेशन में नहीं रखना चाहता। वो अपना वर्ल्ड की एक पावर बनना चाहता है, और वर्ल्ड पावर बनने के लिए वो पहले एशिया में अपने आप को डोमिनेट करना है, और उसके बाद वो वर्ल्ड पावर बनेगा। और उसके लिए उसने जो है इकोनॉमी को डेवलप करना है, उसने अपनी फोर्सेस को डेवलप करना है, उनको इतना रेज करना है कि ही कैन गिव अ थ्रेट टू एनीबडी, और उसी के साथ साथ उसने अपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करना है। तो इन चीजों को डेवलप करने के लिए वो हमेशा जो है लगा रहता है। चीन को एशिया का अजगर यूं ही नहीं कहा जाता। चीन छोटे छोटे देशों को निगलने की नीति पर काम करता रहता है। इसके लिए पहले वो उन देशों को तरक्की के सपने दिखाकर कर्ज के जाल में फंसाता है, फिर उसकी जमीन हड़प लेता है। पाकिस्तान, मालदीव और श्रीलंका के साथ उसने ऐसा ही किया। अब उसकी नजर भारत के सदाबहार मित्र और पड़ोसी नेपाल पर। नेपाल के साथ हमारा रोटी और बेटी का संबंध है, हमारे सांस्कृतिक संबंध है, हमारे धर्म के ऊपर संबंध है, और आवाजाही इतनी है हम लोगों के बीच में कि जो राजनीति से प्रेरित कुछ चीज हो रही है वहां पर, उसमें ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। ट्रीटी के 1816 की जो ट्रीटी है उसके आगे से वी आर एब्सोल्युटली इन द स्ट्रांग पोजीशन। ये बिल्कुल क्लियर है उस ट्रीटी के मुताबिक कि काली नदी से ही इंटरनेशनल बॉर्डर निकले। और वहां प्रॉब्लम क्या है, वह प्रॉब्लम हम तो कह रहे हैं कि जी हमने सड़क बनाई 80 किलोमीटर की टू रिड्यूस द जर्नी टाइम टू मानसरोवर, ये तो है ही, लेकिन इसका दूसरा और क्या है, इसका स्ट्रेटेजिक माने क्या है? इसके स्ट्रेटेजिक माने है कि वी आर आल्सो एबल टू मूव आवर फोर्सेस क्विकर देयर। जो हमारी फोर्सेस अभी उस सेक्टर में हैं
उसको हम ऑग्यूमेंट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं जब मर्जी आए। सड़क बन रही है, उससे चाइना को परेशानी हो रही है। एशिया में चीन को अगर सीधे तौर पर कोई चुनौती दे सकता है तो वो सिर्फ भारत है। ऐसे में कोरोना काल में चीन का भारत के खिलाफ तिल मिलाना लाजमी है। लेकिन इन हालात में भारत को न सिर्फ धैर्य से काम लेना होगा बल्कि चीन की आंख में आंख डालकर उसकी हद उसे समझानी होगी। चीन के साथ जब भी ऐसा टकराव चलता है तो वो लंबे समय तक चलता है। भारत की तैयारी उस लंबे समय के लिए है और पराक्रम की कमी तो हमने कभी रही ही नहीं। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।